नमस्ते देवी सज्जनों, तो आपका स्वागत है दी गॉड टॉक्स में, जहाँ पे सिर्फ होती है ज्ञान की बातें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक हॉरर मूवी के बारे में जो कि अभी अभी रिलीज हुई है, दी पॉप्स एग्जॉर्सिस्ट। और इसको देखने के बाद आइए बात करते हैं कि कैसी थी ये फिल्म, मुझे कैसी लगी और आपको कैसी लग सकती है। तो बिना अपने मुंह से चिड़िया को निकाले इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो इस फिल्म की कहानी बेस्ड है फादर गैब्रियल के रियल लाइफ हॉरर केसेस पे। दरअसल फादर गैब्रियल चीफ एग्जॉर्सिस्ट है वेटिकन सिटी के, मतलब कि वही भूत भगाने वाले। और उनका दावा था कि उन्होंने अपनी लाइफ में कई एग्जॉर्सिस्ट किए हैं और कई स्पिरिट से लड़ाई भी की है। तो 2016 में उनकी डेथ के बाद उन्हीं की कुछ पुरानी केस स्टडीज को उठाकर ये फिल्म बनाई गई है। और बात करें इस मूवी के रिव्यू के बारे में, तो मूवी उतने मजे नहीं देती है क्योंकि आपने हम लोग को एक हॉरर फिल्म दी है, लेकिन वही एलिमेंट तो इस फिल्म में बहुत कम था। मतलब इस फिल्म का सस्पेंस, मिस्ट्री और मेनली हॉरर बहुत अच्छे हो सकते थे, भाई इसमें बहुत दम था। लेकिन स्टोरी के वीक होने की वजह से, स्टोरी के बहुत छोटे होने की वजह से, मैं कहूंगा इन लोगों ने बहुत ही रश कर दिया स्टोरी को। मेनली हॉरर में तो भाई ये फिल्म हॉरर लगती नहीं है, ऐसा लगता है कि हॉरर कॉमेडी देख रहा हूँ। मतलब कि भाई भूत से बातचीत चल रही है और भैया जोक्स चल रहे हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जोक्स बेकार हैं, आप बनाइए आप, लेकिन आपके टाइटल में प्रॉपर हॉरर लिखा है, हॉरर कॉमेडी नहीं। हॉरर कॉमेडी बना रहे हो तो उसमें आप टाइटल दीजिए कि हॉरर कॉमेडी है, सिर्फ हॉरर नहीं। कंचना बनानी तो कंचना बनाओ, राज बनाई तो राज बनाओ। और मैंने इसको राज इसलिए बोला क्योंकि इस मूवी में कुछ सीन्स ऐसे हैं जिनको देखने के लिए आपको 18 प्लस होना पड़ेगा, वरना 18 माइनस के लिए तो वो सीन्स नहीं है, तो भैया देख लेना। वही इस फिल्म को मैं हॉरर की जगह हॉरर कॉमेडी बोलूंगा भाई, वरना मैं तो इसमें हॉरर वाले एलिमेंट तो नहीं लगे मेरे को, क्योंकि स्टोरी इसकी बहुत रश थी, वही खराब स्टोरी, वही पुरानी किसी पिटी स्टोरी की भैया अमेरिका जैसे बड़े शहर को छोड़ के चूतिया परिवार पता नहीं क्यों चर्च में जा रहा है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो अमेरिका में कैसे रह रहे थे तुम लोग। बाकी मूवी उतनी भी बेकार नहीं है, मैं कहूंगा अगर आप लोग को एक घंटे कुछ डेढ़ घंटे की मूवी देखनी है हॉरर टाइप में या सस्पेंस टाइप में, तो आप ये देख सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करेगी ये मूवी। बाकी इस मूवी को मैं कहूंगा रसल क्रो नहीं बजाया है भाई, उनकी एक्टिंग और कॉमेडिक रिलीफ लाजवाब है। अब मुझे असलियत में तो नहीं पता कि फादर गैब्रियल कॉमेडी थे कि कैसे थे, लेकिन असलियत में रसल क्रो ने उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। और वही इस फिल्म में ऐसे हैं जो मुझे चूतिए नहीं लगते कि भाई क्या लॉजिक ढूंढ रहा है, भाई क्या कर रहा है। बाकी मैं कहूंगा बिना हॉरर की एक कॉमेडी हॉरर मूवी है ये, बाकी आपका जैसा मन। तो बस इस वीडियो को यही खत्म करने का वक्त आ चुका है, और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने लोगों के साथ। तो मैं चलता हूँ आप लोग के लिए नया कॉन्टेंट ढूंढने, तो चलिए नमस्ते।